फतेह जय हरे देवी तेते फतेह फतेह बोलो फतेह 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 कुछ तो मिले जा बजा के जा जा ला ला तो सेवा तो कोई लो हां तो ले सब तो ले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम लोग हाथीपारा गुरुद्वारा 1832 सन का एक गुरुद्वारा है, राजा के टाइम का, असम के राजा के टाइम का 1832 का एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा हाथीपारा, जहाँ साध संगत तकरीबन 27 फैमिली रहते हैं, बहुत अच्छा से प्यार से श्रद्धा से। और जो यहाँ पर गुरु साहिब का जो गुरुपुरब जन्मदिन वगैरह जन्म दिहाड़ा मनाया जाता है, बहुत प्यार से मिलजुल के मनाते हैं, लंगर पानी भी तैयार होता है, सबको मिल के कीर्तन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग भी, महिला लोग भी सब कीर्तन पाठ सीखते हैं, करते हैं। जब गुरुपुरब का दिन आता है तो गुरुपुरब वाले दिन में साध संगत जी सब संगत लोग मिलजुल के प्रोग्राम करते हैं। गुरुद्वारा साहिब का गुरुद्वारा भी बहुत सुंदर है, आप लोग को मैं वेलकम करता हूँ कि आप यहाँ आए, गुरुद्वारा साहब का दर्शन करें। 1832 का गुरुद्वारा साहिब है हाथीपारा गुरुद्वारा, जहाँ पर कि जब भी गुरुपर्व होता है छोटे छोटे बच्चे लोग भी कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, तबला बजाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। साध संगत जी वेलकम सारी साध संगत को। आज हम लोग के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, समूह साध संगत हाथीपारा निवासी घर मिल के आपका किसान साहब की सेवा होना है, उसके बाद पाठ अपना कीर्तन किया जाएगा, आनंद साहब का पाठ होगा, उसके बाद अरदास करके समूह साध संगत सुख शांति के लिए, उसके बाद आपका मुखौटा आ जाएगा, प्रसाद बताया जाएगा, लंगर भी नीचे तैयार हो रहा है, गुरुद्वारा साहिब ऊपर में है, नीचे लंगर तैयार हो रहा है, उसका समूह साध संगत को लंगर बताया जाएगा। तो सभी को मेरा ये आह्वान है कि आप लोग भी इस गुरुद्वारा में आए, दर्शन करें। पुराना गुरुद्वारा 1832 का है साध संगत जी, और जो बच्चे लोग सीखते हैं कीर्तन पाठ करते हैं वो भी आप देखें आके, उनको आशीर्वाद दें। आप लोग वेलकम है सभी साध संगत को। आज हम लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश दिहाड़ा हाथीपारा गुरुद्वारा में मना रहे हैं, सभी साध संगत को लख लख बधाई मैं पेश करता हूँ, और सबको वाहेगुरु खुशियाँ दे, सुख शांति बख्शिश करे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू ज्ञान जी, आपने इतना सब हम लोगों को इस प्रकाश दिवस के बारे में बताए। प्रकाश दिवस क्या है जिनको ये नहीं मालूम, मैं थोड़ा सा उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज ही के दिन पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरी तरीके से तैयार करके पढ़ा गया था, इसीलिए आज ही के दिन को हम लोग पहला प्रकाश दिवस बोल के हम लोग मनाते हैं। और आज ही के दिन हम लोगों का और एक नया प्रथा शुरू हुआ था कि हम लोगों का एक मतलब नया नियम चालू हुआ था कि हम लोगों का जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है उनको पढ़ने के लिए जो लोग होंगे उस व्यक्ति को हम लोग ग्रंथी साहिब जी के नाम से जानते हैं। तो उस प्रथा का भी उसी दिन से हम लोगों का आज ही के दिन से हम लोगों का ये प्रथा शुरू हुआ था। और पहला जो हम लोगों का ग्रंथी जी थे तो उनका नाम था बाबा बुद्धा जी, जो हम लोगों का ग्रंथ पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ने वाला व्यक्ति थे। तो ग्रंथ मतलब पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी का पढ़ने वाला ग्रंथ ही थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पहले पोथी साहिब भी कहते थे, या फिर आपको उनको आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी भी कहते थे। आप सभी को मालूम ही होगा कि हम लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब जी ने हमारे छह गुरुओं ने जो बाणी लिखे थे उन सब बाणियों को हम लोगों को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। जैसे कि श्री गुरु नानक देव जी साहिब जी का बाणी हो गया, श्री गुरु अंगद देव जी साहिब जी का बाणी हो गया, श्री गुरु अमरदास साहिब जी का बाणी हो गया, श्री गुरु रामदास साहिब जी का बाणी हो गया, श्री गुरु अर्जुन देव साहिब जी का बाणी हो गया, और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बाणी हम लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब जी में हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं।
वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे गुरु है पूरे के पूरे 10, हमारे गुरु है 10, लेकिन हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी को बनाने के लिए इन्हीं 6 गुरुओं का जो इन्हीं 6 गुरुओं ने जो वाणी लिखी थी इन्हीं वाणी को एक साथ जोड़कर हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को 1604 में बना के तैयार किया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक बढ़िया सा शब्द है मोहल्ला। मोहल्ला क्या है मैं थोड़ी देर बाद आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते कि ये सब क्यों इस्तेमाल किया गया हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में। क्योंकि हमारे 6 गुरु हैं, तो हमारे 6 गुरु ने ये किया कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनका अपना नाम कहीं पर भी नहीं लिखा, उनके जगह उनके नाम के जगह गुरु नानक जी के नाम लिख के रखे। तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये कौन सी वाणी किसको किस गुरु ने हमें लिखा है, किस गुरु जी ने हमें देके गए हैं। तो इसीलिए हम लोग मोहल्ला करके ये सब जो है मोहल्ला होने से हम लोग का गांव का एरिया का मोहल्ला हो जाएगा। ये मोहल्ला मतलब मोहल्ला करके हमें ये शब्द देखेंगे। मोहल्ला मतलब मोहल्ला मतलब हिंदी में होगा शरीर। शरीर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम सभी के शरीर के आकार अलग अलग होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे गुरुओं ने मोहल्ला का शब्द इस्तेमाल करके मोहल्ला इक्का, मोहल्ला दूजा, मोहल्ला तीजा, इस टाइप से हमारे गुरुओं के वाणी को डिवाइड किया गया हुआ है। जैसे कि पकड़ लीजिए आप लोग का मोहल्ला इक्का मतलब गुरु नानक देव जी का वाणी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि उसके बाद मोहल्ला दूजा जैसे कि श्री गुरु अंगद देव साहेब जी का वाणी उसमें लिखा हो। जैसे कि मोहल्ला तीजा श्री गुरु अमरदास साहेब जी का वाणी उसमें लिखा हो, ठीक उसी तरह से मोहल्ला चौथा में लिखा होगा श्री गुरु रामदास साहेब जी का वाणी हमें सुनने को मिलेगा। ठीक उसी तरह मोहल्ला पंजवा उसमें मिलेगा श्री गुरु अर्जुन देव साहेब जी का वाणी हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक उसी तरह लास्ट में हमें नौवा जैसे कि मोहल्ला नौवा तब मिलेगा हमें श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी का वाणी हमें पढ़ने को मिलेगा हमारे गुरु ग्रंथ साहेब जी में। गुरु संगत परवाना से गुफा पासे आगे सुकुर दिया पाछे कुशल है भूल किया आगते सुख तो दी से वाहेगुरु सब के पीछते आपको कुशल इस हम गुरु प्रसाद ने ओंकार सतना प्रसाद निर्तो निर्वय अपार मूर्ता जो ने इस हम गुरु प्रसाद ने ओंकार सतना प्रताप निर्तो निर्वय अपार तो दोस्तों पहला प्रकाश दिवस था, आप सभी को लख लख बधाई है। तो दोस्तों आज यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ गलती हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।